नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको भी IIBF का सर्टिफिकेट लग रहा है या फिर इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बैंक मित्र या क्यूएस के लेने के लिए आप इच्छुक हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। अब इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितनी फीस लगने वाली है, क्या प्रोसेस है और कैसे इसकी एग्ज़ाम देना है, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या कई बार चुके हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद देख सकते हैं आपको गूगल में लिख देना है CSC लॉगिन। आपको CSC लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अपना यूजर ID पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे CSC ID लॉगिन करेंगे स्क्रीन पर इस टाइप से दिखेगा, सारी सर्विसेज दिख जाएगी जो भी CSC ID में आपकी सर्विस रन कर रही है वो सारी सर्विस यहाँ पर दिखेगी। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फिर से सर्विस दिख जाएगी। उसके बाद में आपको जो IBF सर्टिफिकेट के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और सिंपल से यहाँ पर आपको लिख देंगे एग्ज़ाम। तो इस टाइप से आपको सिंपल सा एग्ज़ाम लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा आपको एग्ज़ाम फ़ी, और यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। तो इस टाइप से आपको IIBF का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस सामने से होने लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से दिख जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया था IIBF का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका पूरा नाम क्या रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जैसे कि यहाँ पर बैंकिंग मित्र या क्योस्क संचालक बनने के लिए या फिर आपको जो बैंक के ट्रांजैक्शन है उसके लिए आपको यह सर्टिफिकेट अनिवार्य आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखेंगे आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं मिस्टर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देना है, मिडिल नेम लिख देना है, लास्ट नेम लिख देना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे एड्रेस मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने जो एड्रेस है आपका विलेज का नाम, या फिर आप टाउन से हैं तो आपको अर्बाइन से सिटी से हैं तो यहाँ पर अपने सिटी का नाम, पोस्ट का नाम, तहसील का नाम इस टाइप से लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद देख सकते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर अपना सिटी लिखेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपल सा अपना पिन कोड डाल देना है, जो एरिया का पिन कोड रहता है पोस्ट ऑफिस का वो पिन कोड डालेंगे। अब आपको सिंपल सा यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में देख सकते हैं आपको सिंपल सा नीचे के ऑप्शन आता है, यहाँ पर जेंडर आपका सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल फीमेल जो भी हो। उसके बाद में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वालिफिकेशन आ जाता है। क्वालिफिकेशन में आप अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद देख सकते हैं आपके पास STD कोड या एरिया कोड हो तो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है, अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है। उसके बाद में देख सकते हैं अपलोड योर स्कैन फ़ोटोग्राफ, मतलब आपकी जो फ़ोटोग्राफ है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। जहाँ भी आपने स्कैन करके जो फाइल रखा है उस फाइल में जाकर आपको यहाँ पर सिंपल सा इसको अपलोड कर लेना है, आपकी एक फ़ोटोग्राफ। तो इस टाइप से फ़ोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है, जो भी आपने सिग्नेचर स्कैन करके रखा है उसको। उसके बाद में सिलेक्ट ID प्रूफ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ID प्रूफ दिए हैं, तो जैसे कि पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है। पेन कार्ड जैसे मैं सिलेक्ट कर लेंगा, आपको भी जो अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर उसके नंबर डाल देना है डॉक्यूमेंट के, और यहाँ पर चूज़ फाइल करके सिंपल सा उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप से इंटरफेस सामने से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो स्कैन करने की प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया गया है, आपको कैसे कैसे स्कैन करना है, कितने साइज में स्कैन करना है, जब जाके आप फाइल को अपलोड कर सकेंगे। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम डिटेल्स आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम का जो नाम है वो यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर बेसिक करस्पेंडेंट, तो यहाँ इस टाइप से देखेगा। अब आप देख सकते हैं एग्ज़ाम फ़ी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिलेक्ट सेंटर,
सिलेक्ट सेंटर फर्स्ट, मतलब आप सेंटर को फर्स्ट सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे जाएंगे एग्ज़ाम पीरियड यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे हम, मीडियम जो परीक्षा का माध्यम है उसे हिंदी सिलेक्ट कर लिया। सेंटर नेम तो यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटर का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस राज्य में आपका सेंटर है, जो एग्ज़ाम का सेंटर है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने सेंटर नेम सिलेक्ट कर लिया, खंडवा मध्य प्रदेश। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर इंक्लूसिव बैंकिंग वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिंपल सा आपका जो सेंटर है उसका यहाँ पर लोकेशन दिखा दिया जाएगा, सेंटर के नाम दिखा दिए जाएंगे, आपने जो सिटी सिलेक्ट किया है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है या फिर आपका जो सेंटर का नाम सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। हमारे जो नियर बाय मतलब जो पास में पड़ता है वो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर लूँगा। अब आपको देख सकते हैं एक डेट दिया जाता है, किस डेट में आप अपने एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में टाइम, आप किस टाइम से कब तक पेपर देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर वो उसका टाइम सिलेक्ट कर लूँगा। इस टाइप से आपको भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सेंटर का कोड दिख जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए सिंपल सा नीचे चले जाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस टाइप से कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन यहाँ पर आई चेक कर चेक मार्क करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लेना है, जो भी कैप्चा दिख रहा है आपको सिंपल सा यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर प्रीव्यू एंड प्रोसेस फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए आपको एक प्रीव्यू देख लेना है, तो आपको सिंपल सा इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक वेरीफाई करने के लिए एक प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना अपनी फोटोग्राफ जो भी अपलोड किया उसको। अब आपको इस टाइप से फिर से एक फॉर्म दिखेगा, जैसे कि आपने वेरीफाई कर लिया है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाना है, पूरा फॉर्म इस टाइप से आपको दिख जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स डाला है वो डिटेल्स दिख जाएगी। अब आपको सिंपल सा प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप CSC के वॉलेट पर आ चुके हैं। अब आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी CSC का ID और पासवर्ड डालने के बाद सिंपल सा एक पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर जैसे पेमेंट हो जाता है सक्सेस, तो यहाँ पर आपको इस टाइप से ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको जो IIBF का जो सर्टिफिकेट है या उसका पोर्टल है IIBF का, उस पर एक मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से या मेंबरशिप से आप सिंपल सा गेट डिटेल करके IIBF का जो सर्टिफिकेट है उसका एडमिट कार्ड निकालेंगे। एडमिट कार्ड के हिसाब से जिस डेट में आपने एग्ज़ाम देना है उस डेट में आपको सिंपल सा एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको इसी पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप नंबर है उस पर डिटेल पर आपको एक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप इस सर्टिफिकेट का प्रिंट ले सकते हैं और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी बैंक का मित्र बन सकते हैं या क्योस्क संचालक बन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर आप भी IIBF का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे या उसका रजिस्ट्रेशन करके आपको ये सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।